एसएमएस न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, परमवीर सिंह के खिलाफ पहले चार्जशीट दायर, गिरफ्तार होंगे हर तारीख एसटी कर्मी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शाजापुर जिले के काला पीपर थाना क्षेत्र से तीन बच्चे शनिवार शाम से लापता थे। तीनों बच्चों की खोजबीन हो रही थी। खोजबीन के दौरान रविवार सुबह तीनों बच्चों के कपड़े और जूते तालाब किनारे पड़े हुए मिले। जब तालाब में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तलाश शुरू की तो तीनों बच्चों के शव मिल गए। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए काला पीपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। काला पीपर के भूरिया खजुरिया गांव के नैतिक पुत्र रामबाबू, अभिषेक पुत्र अमर सिन्हा बागरी और अभिषेक पुत्र आत्माराम शनिवार स्कूल से घर आने के बाद तीनों चौराहे पर खेलने के लिए गए और देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों ने तीनों बच्चों की आसपास के इलाके में तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने काला पीपर पुलिस को भी शिकायत की। रविवार सुबह गांव के बने तालाब के किनारे खोजबीन के दौरान तीनों बच्चों के कपड़े और जूते दिखाई दिए। तालाब पूरी तरह से सूखा है, पूरे तालाब में पानी नहीं है लेकिन अवैध उत्खनन करने वालों ने तालाब के अंदर खुदाई कर दी। तालाब में करीबन 30 फीट गहरी खुदाई के कारण उसमें एक गड्ढा हो गया था जिसमें पानी भरा हुआ था। संभवत तीनों बच्चे वहां नहाने के लिए चले गए। तीनों बच्चों में एक तैरना जानता था, उन दोनों को बचाने में वह भी डूब गया। अगली खबर, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिन्हा और अन्य तीन के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की। जबरन वसूली के कई मामलों का सामना कर रहे सिन्हा के खिलाफ यह पहली चार्जशीट है। राज्य सरकार ने सिन्हा को सरकारी सेवा के नियमों का पालन न करने के आरोप में पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया है। अगली खबर, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर मेजमा लगाने की चेतावनी परिवहन मंत्री अनिल परब ने पहले ही दे चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत से चर्चा के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। अगर एसटी महामंडल ने यह कार्रवाई की तो बिना किसी नोटिस के हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके तहत एक वर्ष कारावास का भी प्रावधान है। अनिल परब ने कठोर रवैया अपनाते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से नरमी नहीं बरती जाएगी। परिवार सुरक्षा योजना के तहत भर्ती किए गए लगभग 6000 कर्मचारियों पर पहली गाज गिर सकती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।